हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय में बीते दिनों कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी ने कमिश्नर को आरटीओ कार्यालय में काफी अनियमितताएं मिली। जगह जगह शराब की बोतलें और गंदगी को देख नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने आरटीओ से भी स्पष्टीकरण मांगा था। इधर कमिश्नर दीपक रावत की छापेमारी के बाद आरटीओ प्रशासन ने खुद कार्रवाई करते हुए दलालों के अस्थायी फड़ों को जेसीबी से ध्वस्त कराया। आरटीओ संदीप सैनी का कहना है कि कार्यालय की दीवार से लगे फड़ों को ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं अब इस जगह को पार्किंग के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे कार्यालय आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बहरहाल देखना यह होगा कि आरटीओ प्रशासन कितने दिनों तक दलालों पर प्रतिबंध लगा पाता है, क्योंकि हर बार उच्च अधिकारियों के छापे के चंद दिनों बाद ही अवैध निर्माण सहित दलाल फिर सक्रिय हो जाते हैं। नहीं, इसमें हमारे जो बाउंड्री के बाहर, हमारे आरटीओ ऑफिस की बाउंड्री के बाहर कुछ लोगों ने अपने जो टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, हम लोगों ने उनको वहां से हटवा दिया है और अब सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी कोई दुकान या ठेला कोई नहीं लगाएगा। और दूसरा, हम उसको पार्किंग के रूप में डेवलप करें, जिससे बाहर से आने वाले आगंतुक जो हैं उनको पार्किंग की जगह मिल सके।